अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का मेरा रिव्यू अनबॉक्सिंग है और रिव्यू है सीगेट बैकअप प्लस हार्ड डिस्क के बारे में। ये मेरे पास है, ये मैं कोई पिछले रफली कोई 3 इयर्स से यूज़ कर रहा हूँ। ये 2 TB की हार्ड डिस्क है, अगर आप दिखा सकें तो। ये इट्स प्रेटी गुड एक्चुअली, और इसकी रफली जो रीड एंड राइट स्पीड है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 MB पर सेकेंड के करीब है, और विच इज़ प्रेटी गुड फॉर टाइम मशीन। अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सीगेट की तरफ इसको प्रेफर करें, बैकअप प्लस को, क्योंकि इट कम्स विद द सॉफ्टवेयर एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स यू। और अदर देन दैट, उसके सॉफ्टवेयर के साथ साथ इसमें आपके पास आ जाता है टाइम मशीन की सपोर्ट भी आ जाती है। ये टाइम मशीन के साथ ना, मैक पे जो टाइम मशीन है उसके साथ ये बहुत ज़्यादा कंपेटिबल है और बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो मैं लास्ट फ्यू ईयर से इसको यूज़ कर रहा हूँ, 2 TB को। अब ये फुल होने वाली थी तो इसलिए अब मुझे नई की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल हमारे पास ये है, ठीक है ना। ये भी है बट कहने का मतलब ये है कि इसके लेटेस्ट मॉडल नहीं है सीगेट के ना, यहाँ पे हमारे पास। मैं फी सेंटर से लेके आया हूँ लाहौर से, तो मुझे जो चीज़ मिली है वो ये मिली है। और अगर आप इसमें गौर से देखें तो इसमें इसका एडोब क्रिएटिव क्लाउड की मेम्बरशिप है, जो कि January 31, 2020 को एंड होने लगी है, अगर आप देख सकें तो। January 31, 2020 जो कि गुजर गया है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर 10/2/18। और बट क्योंकि मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये एक बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में इस वक्त, हमारे मार्केट के मुताबिक। और मैंने ऑलरेडी इसको क्योंकि यूज़ किया है तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अब इसकी वारंटी यहाँ पे हमें जो मिलती है वो 10 मंथ्स की है, जबकि इसके ऊपर मैंशनड है 2 इयर्स की, बट क्योंकि हमने लोकली इसको देखना है तो हमें 10 मंथ्स की वारंटी मिली है जहाँ से मैंने ये परचेज़ किया। और ये इसके डिटेल्स हैं विंडोज़ और मैक के साथ कंपैटिबिलिटी के। इसके अंदर इसका अपना बिल्ट इन सॉफ्टवेयर भी है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अदर देन दैट, आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं मैक के साथ। और क्योंकि वो NTFS की सपोर्ट और इस टाइप की चीज़ें मैक में नहीं चलती, तो सीगेट आपको एक सॉफ्टवेयर अलाउ करता है, सॉफ्टवेयर देता है जो कि सीगेट आई थिंक NTFS फॉर मैक सॉफ्टवेयर का नाम है, और वो आपके कंपेटिबल कर देता है इस ड्राइव को मैक के साथ। और आप इसी ड्राइव को यूज़ भी कर सकते हैं किसी और विंडोज़ कंप्यूटर के साथ भी। लेकिन आई वुड रेकमेंड कि जब आप टाइम मशीन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको डेडिकेट रखें टाइम मशीन के लिए, वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसमें USB 3 एंड USB 2.0 दोनों की सपोर्ट है, और उसके अलावा आई थिंक दैट्स प्रिटी मच इट। लेट्स डू द अनबॉक्सिंग, राइट। अब मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ आपके सामने एंड लेट्स सी व्हाट वी गॉट इन हियर। ये हमारे पास हार्ड डिस्क है, बुकलेट एंड वाओ, व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, दैट्स प्रीटी मच इट। अंदर एक टैग लगा हुआ है, चिप पे RF टैग, आई थिंक दैट इज कॉल्ड। ये इसकी मैनुअल, एडोब क्रिएटिव क्लाउड फोटोग्राफी प्लान जो कि एक्सपायर हो गया है, पाकिस्तान के लिए यूजलेस है। ये हमारी हार्ड डिस्क है, पैकिंग इज गुड, आई लाइक इट। वेरी नाइस, दैट्स इट। ये हमारी केबल है इसके साथ, जैसे कि केबल मेरे पास ऑलरेडी भी है दूसरी हार्ड ड्राइव की, ठीक है ना। बट केबल लेंथ सेम्स लिटिल बिट स्मॉलर
as compared to the previous one. Sorry, it's almost the same. Yes, it's all no, almost the same. We cannot say it's too small or it's too big. Anyway, तो अब इसको हम अनपैक करते हैं. By the way, I like this Scepter logo of Seagate. This is pretty cool. And blue is my favorite color. Anyway, ये यहाँ पे LED light है जो मैं आपको ऐसे दिखा दूँ. ये इसकी डायमेंशंस हैं. ओके दैट्स गुड. इसके मुझे लग रहा है कि सील यहाँ से ये ओपन है थोड़ा सा ना. That's the problem when you buy stuff from your local market. ये मैंने by the way कनाडा से मंगवाई थी एंड ये यहाँ से अभी सेंटर से ली है. एंड देखें जी, ये ऑलमोस्ट दो के बराबर है. इसमें दो हार्ड ड्राइव्स हैं जो एज पर माई नॉलेज. और इसकी डायमेंशंस ये हैं, ये 4 TB की है सीगेट. इसकी डायमेंशंस हैं, लेंथ इज 114.50 mm, विड्थ इज 78 mm एंड हाइट इज 20.5 mm. और इसका जो टिपिकल वेट है वो रफली 541 ग्राम है. और मैक ओएस 10.7, विंडोज 8 एंड विंडोज 7 ओएस से अबव ये चलती है. ये मतलब आप यूज़ कर सकते हैं इस हार्ड ड्राइव को. लेटर वर्जन्स के साथ 200 GB ऑफ क्लाउड स्टोरेज दी जा रही है माइक्रोसॉफ्ट की, जो कि अवेलेबल है इसके साथ. इसका कंपैरिजन अगर हम करें ए डाटा के साथ, हमारे लोकल मार्केट में ए डाटा की हार्ड ड्राइव्स अवेलेबल हैं. तो ए डाटा पे रीड एंड राइट स्पीड रफली 78-90 MB मिलती है. ठीक है ना, लाइक 78-85 MB/s रीड एंड राइट की स्पीड मिलती है. जबकि इस पे हमें अप्रॉक्सीमेटली 100 MB की रीड एंड राइट स्पीड मिलती है. जब स्मॉल फाइल्स होंगी, लार्ज फाइल्स नहीं होंगी, वीडियो मीडिया फाइल्स नहीं है, दूसरी सिस्टम फाइल्स हैं, स्मॉल फाइल्स हैं, उनके अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इन दैट केस स्पीड थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ़ फाइल्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. तो उस केस में आपकी रफली कोई 10-20 MB वेरी कर सकती है रीड एंड राइट स्पीड. दैट्स प्रीटी मच इट. आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो.